महेंद्र प्रताप चांद, जिनका नाम मैंने 20/6/2014 से पहले नहीं सुना था। 20/6/2014 को मैं इनके घर गया था इनसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं तब रुबाई सम्राट उदयभानु हंस जी पर एक वृत्त चित्र बना रहा था और मुझे चांद साहब से मिलना था, क्योंकि मेरी एक लिस्ट बनी थी, उस लिस्ट में चांद साहब का नंबर सबसे ऊपर था उनके मित्रों में, उनके चाहने वालों में। तो 20/6/2014 को मेरे को चांद साहब से पहली बार मिलने का मौका मिला और मैं उनका मुरीद हो गया था, उनको देख के, उनको सुन के, उनको पढ़ के। और तब मुझे एहसास हुआ, इस बात का इल्म हुआ कि महेंद्र प्रताप जैसा शख्स कितना पाक, कितना साफ और कितना दिलदार है। अपने सिग्नेचर किए हुए एक बुक, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो एक यात्रा थी करोड़ लालीसन जाने की, वो मुझे दी और मुझे कहा कि फिर मिलेंगे, और हम उसके बाद मिलने लगे और इस कदर मिलने लगे कि वो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए। यूं कि जैसे वो मेरे वालिद हों। और रिश्ते इतने घने हो गए कि लोग रश्क करने लगे कि ये कल का छोकरा उनके पहलू में बैठता है और चांद साहब भी तवज्जो देते हैं, प्यार करता है, चांद साहब उसे कुछ अलग ही तरह से प्यार करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी होती कि हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा शख्स जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वो मेरे ख़ास कुछ लोगों में एक है। और जब मैं धीरे धीरे 47 की वीडियो करने लगा तो चांद साहब से मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत सारी किताबें मिली। और ये वीडियो देखने वाले सारे लोग जानते हैं कि मैंने चांद साहब के साथ सबसे ज़्यादा वीडियो किए हैं, मतलब किसी के साथ एक दो तीन तक होते हैं, बट मेरे चांद साहब के साथ मेरे YouTube वीडियोस में सबसे ज़्यादा वीडियो हैं, मतलब। और वो आज भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन आज जो वीडियो कर रहा हूँ ये तो बेमन से कर रहा हूँ, लेकिन करना ज़रूरी है, क्योंकि आप सब लोग जान चुके हैं कि अब चांद साहब नहीं रहे इस दुनिया में। इसी महीने की, यानी कि 19/10/2020 को मैं अपने खाने वाले के एक दोस्त ज़हीर भाई, जिनकी वजह से मैं दुबई पहुंचा था, और मैं और चांद साहब दुबई पहुंचे थे, मैं अकेला तो नहीं था, हम लोग बातें कर रहे थे किसी ख़ास टॉपिक पे, और बातें करते 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 अचानक मैंने कहा, बात ख़त्म होने से पहले मैंने कहा, ज़हीर भाई चांद साहब की तबीयत ठीक नहीं है। तो उसने कहा क्या हुआ, तो मैंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से कोविड के दरमियान वो सख्त बीमार चल रहे हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने भी आज उन्हें फ़ोन किया था, क्योंकि लंबे अरसे से बात नहीं हुई थी, तो आज फ़ोन किया था, तो फ़ोन नहीं उठाया गया, और मैंने मैसेज भी किया तो मैसेज का जवाब नहीं मिला। और मैंने कहा वो जवाब देंगे, क्योंकि जवाब देना उनकी आदत में शुमार है। उनकी इस आदत पर मैं फिर कभी तफसील से बताऊंगा, लेकिन हमारी बात ख़त्म हुई और शायद 1-2 मिनट गुजरे होंगे, ज़हीर भाई का मैसेज आया मेरे
व्हाट्सएप पे कि चांद साहब इज नो मोर। मैं मैसेज को पढ़ते ही मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, मैंने ज़हीर भाई को इमीजिएट फ़ोन किया। मैंने कहा, ज़हीर भाई ये क्या लिखा है आपने? मैं थोड़ा सा तलखी में था क्योंकि, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि ये मैंने नहीं लिखा है, ये जब मैंने सुबह मैसेज किया था या फ़ोन किया था तो उसका रिप्लाई मुझे अभी अभी मिला है। और मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। मैंने फ़ोन काट दिया और उसके बाद मैं जैसे ही उनके फ़ोन पे गया, मैंने कहा शायद कोई ऑनलाइन हो, मैं कैसे कंफर्म करूँ। इतनी देर में नगमा आंटी, जो मुझे बेटा कहती हैं, रावलपिंडी से हैं और चांद साहब की बेटी की तरह हैं, उनका मुझे मैसेज आ गया कि चांद साहब इस दुनिया से चले गए। तो अब तो कोई सवाल ही नहीं बचता था। मैंने सोशल मीडिया पर एक घंटे के बाद सोचा कि डाल दूं, डाला और डिलीट कर दिया। हिम्मत नहीं हुई कि लोगों को बताऊं। कितने सारे लोगों से मैंने शेयर किया और मैंने इमीडिएट डिलीट कर दिया। शायद रात का 1:30 बज चुका था तो मुझे लगा कि नहीं देखा है, अच्छी बात है। इवन मैंने फेसबुक पे भी डाला और डिलीट कर दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे डालूं। और मैं सो गया लेकिन नींद नहीं आई। 5 बजे के करीब मुझे नींद आई होगी और मैं 7:30 बजे के करीब उठ बैठा क्योंकि राणा साहब का कॉल आ रहा था। राणा प्रताप गनौरी साहब ने मुझे कॉल करके कुछ कहने ही चाहते थे कि मैंने कहा कि जी राणा साहब, मुझे पता चल गया है। तो उन्होंने कहा कि तुम जा रहे हो? जी। मैंने कहा मैं ज़रूर जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत नज़दीक हूँ उनके, मेरे से तो 1.25 घंटे का रास्ता है लेकिन राणा साहब का लंबा रास्ता है। और मैंने फिर अपने और उनके जो कुछ ख़ास लोग थे चांद साहब के, उन्हें इतला की और मैं फिर पहुंचा। वहां पहुंचा तो बस चांद साहब को लेके जाने वाले थे। अच्छा, मैं ना यहाँ आज पक्का होके बैठा हूँ कि आज नहीं रहूँगा, चांद साहब को बुरा लगेगा। बाकी मैं जितनी बार भी जिस भी बुजुर्ग की बात की है मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन आज मैं नहीं रहूँगा। तो चले गए, मैंने जाके उनके अंतिम दर्शन किए और उसके बाद हम लोगों ने स्वर्ग आश्रम ले गए और वहाँ मनोज भैया और संगीता दीदी ने सारी जो रस्में होती हैं वो की, मतलब बेटा ही करता है तो मनोज भैया ने वो सब किया जो होता है, जो आप लोगों को पता है। और उसके बाद हम लोग आ गए 3 दिन बाद, यानी कि 2 दिन, क्योंकि रात को 19 तारीख रात को वो गए और 20 तारीख को अंतिम संस्कार हुआ, 21 तारीख को छोड़ के 22 तारीख को रसम पगड़ी, यानी कि चौथा। रसम पगड़ी 13वें पे होती है लेकिन चौथे वाले दिन क्रिया रखी गई। और उस दिन राणा साहब पहुंचे, मैं पहुंचा और जो भी उनके खास थे, जिन्हें पता चल चुका था, वो सब पहुंचे। जो नहीं आ पाए वो दूर थे और कोविड भी एक रीज़न था। और बस इस तरह से चांद साहब चले गए। हालांकि मैं एक पोस्ट करके आप लोगों को रसम क्रिया से, जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ था उससे अगले दिन मैं आप लोगों को बता चुका था यूट्यूब पे,
मैंने फेसबुक पे अभी तक भी शेयर नहीं किया है, ना मैं कोई दूसरा वीडियो कर रहा था, ना कुछ और कर रहा था। लेकिन बस मेरे को ये था कि मैं निकल जाऊं इस चीज़ से। लेकिन मैं 4 दिन तक ज़हनी तौर पर घिरा रहा और वो सब कुछ घूमता रहा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि और मुझे किसी को बताना नहीं है कि चांद साहब के साथ मेरा क्या रिश्ता था। 4 दिन बीत गए तो मैं थोड़ा सा ज़हनी तौर पर ठीक हुआ। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप एक श्रद्धांजलि वीडियो बनाइए जैसे आप सबके लिए बनाते हैं, तो मैंने कहा कि हाँ मैं ज़रूर बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। और मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा चांद साहब के साथ, कुछ कमाल की बातें हैं, कमाल की चीज़ें हैं। और चांद साहब चले गए लेकिन चांद साहब हमारे बीच में रहेंगे। मैं कम से कम जब तक इस दुनिया में हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ या मैं बोलने की ताकत रखता हूँ, तो मैं आप लोगों को याद दिलाता रहूँगा कि चांद साहब हैं। मेरे पास चांद साहब की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी निशानियाँ हैं, तो मैं याद दिलाता रहूँगा कि चांद साहब कैसे थे, कैसे हैं। चांद साहब के लिए सरद पार से, करोड़ लीसन से, मुल्तान से, खानेवाल से, लाहौर से, रावलपिंडी से, न जाने कहाँ कहाँ से श्रद्धांजलियाँ आई हैं। बड़े सारे लोगों ने अपने दिल की बातें कही हैं और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये झूठ भी नहीं है। और उसमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे स्पेशली जो उनके साथ कहते थे कि हम बहुत बुरी तरह से जुड़े हुए हैं, तो उसमें से मज़र भाई हैं जिन्होंने एक ऑडियो मैसेज भेजा है। एक दिली सदमा पहुंचया, एक दुख होया, इन तरह का दुख है जिवें किसी अपने खूनी रिश्ते दे बिछड़ जावन दा होवे। ते साड़ी दुआ है अल्लाह मियां उन्हां नूं जन्नत फिरदौस जगह ता फरमाए, जन्नत अल्लाह मियां उन्हां दे दर्जात बुलंद करे। ते एक इस शह का दुख रासी कि मैं चांद साहब नाल मुलाकात ना कर सकिया। मेरा तकरीबन उन्हां नाल पहला तारुफ तो तुहाडी वीडियो दे थ्रू आए, जिहड़े वीडियो वेख के पहला तो यह अहसास होंदा है, एक फादर फिगर का एहसास होंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा अपनाइत आई, जिन्हें बहुत ज़्यादा मिठास आई। तो मुड़ उन्होंने एक उन्होंने शख्सियत एक बहुत खूबसूरत पहलू, बहुत सारे खूबसूरत पहलू में एक ये आई, उन्होंने अपनी वतन नाल मुहब्बत, करोड़ लाल ईसन नाल मुहब्बत, उन्होंने बुक पढ़ी, बुक दे विच जिहड़ी उन्होंने एहसासात जिहड़ी अपनी मिट्टी नाल मुहब्बत आई, वो एक लाजवाल आई। मुड़ मैं रेखता तो उन्होंने टेलीफोन नंबर ट्रेस किया, मैं उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट नंबर कोई नहीं मिलता पे, नैट तो ट्रेस किया। मैं उन्होंने लैंडलाइन पर फोन किया चांद साहब न, चांद साहब की इतनी शफकत आई, उन्होंने मैं फौरन आके लैंडलाइन नंबर, मैं तो अपना मोबाइल नंबर देना, तो उसे व्हाट्सएप उस थ्रू मेरे गल कर सकते हो। तो मुड़ उन्होंने मैं मोबाइल सेव किया, मुड़ मेरी उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू वॉइस चैस चैट भी होंगी है, उन्हें मैसेज भी होंगे, हमेशा उन्होंने बड़ी मुहब्बत नाल जवाब दिता। ईवन के वो बहुत ज़्यादा बीमार होंगे मगर उन्होंने एक ग्रेटनेस आई कि उन्होंने हमेशा एक तवील टैक्सट भी टाइप करके मैंने घलिया, कभी यह नहीं होया कि मैं उन्होंने कोई मैसेज किया हो उस मैसेज का जवाब ना आया हो, इसके बावजूद कि वह शदीद बीमार हाँ। और बाज़ का वॉइस मैसेजिस उन्होंने गुफ्तगू होंगी है, वॉइस मैसेज उन्होंने बड़ी डिटेल नाल हमेशा मैं जवाब दिते उन्होंने। एक दो बारी मैं उन्होंने वॉइस कॉल करने की मुड़ माजरत की कि भी ना अजकल मेरा ट्रीटमेंट चलता पे, मैं ठीक हो वजह ना इन्ह टॉपिक्स से ना तेरे नाल बड़ी डिटेल नाल गल करे सा। ते तुस जिवें तुहानू दुख है सन उस नाल भी ज़्यादा दुख है, साडा दुख इस पर ज़्यादा है कि तुसा तो उन्होंने एक टाइम गुजारिया, तुसा उन्हों तो मुस्तफीद होए, जड़े सरद दे साइंस पार बैठे हैं, साढ़े अंदर हाली भी एक तशनगी है, बाकी तो जो अल्लाह का हुक्म आ गया सारे ही जामने, मगर एक साढ़े दुख के कर बेकेसा
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹਸਰਤ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਬਰੇ ਜਮੀਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰੇ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕੋ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਕੀਏ, ਯੂਟਿਊਬ ਪੇ ਜੋ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਡਾਲੀ ਥੀ ਉਸ ਪੇ ਲੋਕੋ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਉਨਕੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਗਮਾ ਜੋ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਸੇ ਹੈ, ਜਿਨਕੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਥਾ, ਜਿਸਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੋ ਅਕਸਰ ਮੁਝਸੇ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਉਨਸੇ ਟੱਚ ਮੇ ਹੂੰ, ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ। ਨਗਮਾ ਜੀ ਵਾਕਈ ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਂਦ ਜੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਕਿ ਵੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਆ ਥੇ। ਇੱਕ ਅਟੂਟ ਬੰਧਨ, ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਸ਼ਫੀਕ ਬਾਪ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜੋ ਪਿਛੜਾ ਤੋ ਗੋਇਆ ਕਿ ਚਾਂਦ ਕਹੀਂ ਦੂਰ ਫੁੱਕ ਪਰ ਛੁਪ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਂਦ ਜੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਜਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਨੇ ਤੋ ਮਿਲਨੇ ਕਾ ਵਾਦਾ ਕੀਆ ਥਾ ਨਾ, ਔਰ ਵੋ ਵਾਦਾ ਵਾਦਾ ਹੀ ਰਹਾ। ਰੱਬ ਆਪ ਕੀ ਆਤਮਾ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਆਪਕੇ ਕੁਛ ਇਸ਼ਾਰ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖੇ ਥੇ। ਸਕੂਨ ਦਿਲ ਹੋ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕਾ ਕਰਾਰ ਹੋ ਤੁਮ, ਖਜ਼ਾਂ ਰਸੀਦਾ ਚਮਨ ਮੇਂ ਨਈ ਬਹਾਰ ਹੋ ਤੁਮ। ਯੇ ਕਿਸਕੀ ਤਾਨ ਸੇ ਮਸਹੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ, ਯਕੀਨਨ ਆਜ ਕਹੀਂ ਫਿਰ ਸੇ ਨਗਮਾ ਜ਼ਾਰ ਹੋ ਤੁਮ। ਜਾਨ ਜੀ ਜਹਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਸਲਾਮਤ ਰਹੀ, ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਕਹਤੇ ਹੋ ਕਿਆਮਤ ਕੋ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਕਿਆ ਖੂਬ ਕਿਆਮਤ ਕਾ ਹੈ ਗੋਇਆ ਕੋਈ ਦਿਨ ਔਰ। तो इस तरह से जैसे कि मैं पहले कह रहा था, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारी तरफ से, हमारे दिल से उनके लिए ये दुआ है कि वो जहाँ भी रहें भगवान उन्हें अपने गोद में, अपनी पनाह में, अपने आगोश में रखे। और वाकई जितने भी लोग उनके चाहने वाले हैं, उनके खास हैं, उनके जहन में ये बात हमेशा रहे कि चांद साहब भले चले गए लेकिन चांद साहब हमारे बीच में रहेंगे, और वो अपने अपने दम पे कोशिश करें कि वो चांद साहब को ना भूलें। और इसमें मैं एक अहम रोल अदा करने की पूरी कोशिश करूँगा, और अगर मैं कभी भूलने लगूं तो आप लोग मुझे याद दिलाइएगा। शुक्रिया।